स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करना चाहती हूँ जो रिलेटेड टू मैथमेटिक्स है, जिसमें हम इसमें ये टॉपिक थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, इवन फिफ्थ क्लास के लिए भी है, जिसमें हम ये सीखेंगे जो लार्ज नंबर्स होते हैं उनको हम एबाकस पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि टॉपिक का नाम है रिप्रेजेंटिंग नंबर्स ऑन द एबाकस। अब एबाकस जो होता है, दे आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज बिगनर्स एबाकस, जो कि आपकी बुक्स में होता है, और दूसरा है एडवांस्ड एबाकस। ये जो कोर्स होता है एडवांस्ड एबाकस का, ये हम सेपरेटली करते हैं, जिसमें हम मैथमेटिक्स के काफ़ी सारे एडिशंस, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस सीखते हैं। ओके, तो अब हम पहले करते हैं बात बिगनर्स एबाकस की। इसमें होता क्या है, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बना होता है जो आपको मैथ की बुक्स में दिखता है, जिसमें ये रॉड्स होती हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 एंड लाख, क्योंकि आपका अप टू लाख तक मैं समझाना चाहती हूँ, तो लाख तक मैंने रॉड दिया, इसके आगे भी जा सकता है। तो जो ये, इनको हम रॉड्स कहते हैं, जो सीधी सीधी लाइन्स होती है इसमें, ये रॉड्स होती है। और जो इसमें हम गोल बनाते हैं रिप्रेजेंटिंग ऑफ नंबर्स, जैसे अगर मैंने टू नंबर रिप्रेजेंट करना है तो हम टू बॉल्स बनाएंगे, जिसको हम बीड्स कहते हैं। ठीक है, ये भी बीड हैं, ये सारे वन बीड, थ्री बीड, यहाँ पे वन है, यहाँ पे फोर है, और यहाँ पे भी फोर है। और इसमें भी जो ये होता है, ये एबाकस होता है, ये इसको पूरे को फ्रेम कहते हैं, इसको वैल्यू बार कहते हैं, और इन सब को हम बीड्स कहते हैं। देखिए, जो मैंने आपको ये वाली डायग्राम बनाई है, यहाँ बना के दिखाई है, इसका जो एक्चुअल में एबाकस होता है वो इस टाइप का होता है। देखिए, जो हम यहाँ बीड्स जिनको कहते हैं, ये होते हैं बीड्स, इनको आप मूव कर सकते हैं, और ये सेंटर वाली लाइन जो होती है, ये इसको वैल्यू बार कहते हैं, और ये इनके प्लेसेस होते हैं, ये टेंस प्लेस है। फिर आ गया ये, देखो, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, फिर लाख, इस तरह से ये आगे आगे इनके प्लेसेस बढ़ जाते हैं। अभी तक मैं आपको समझा रही थी कितने टाइप्स के एबाकस होते हैं, तो मैं आपको मैंने पिछले बोर्ड पे दिखा दिया था। अब हम समझेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन द एबाकस कैसे किया जाता है। ओके, और वो आपका बिगनर्स एबाकस पे ही होता है। जैसे कि आपके पास एक नंबर है 5, 4, 3, 2, 0, 1, 0, 2, इसमें आपने वंस प्लेस, राइट साइड से स्टार्ट करना है, वंस, देन टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 एंड लाख। अब इसको यहाँ पे हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है, देखिए, वंस प्लेस पे आपके पास टू है, तो हमें टू बीट्स ड्रॉ करनी है। फिर आपके पास टेंस पे जीरो है, तो जीरो पे कुछ नहीं करना है, कोई बीड नहीं बनाना है। फिर हंड्रेड प्लेस पे आपके पास वन बीड है, तो वन सर्कल बनेगा। फिर थ्री थाउजेंड प्लेस पे, और इन बीड्स के बीच में स्पेसेस नहीं होने चाहिए, बिल्कुल टचिंग होने चाहिए। देन 10,000 पे आपके फोर बीड्स हैं, वन, टू, थ्री, फोर। फिर लैक प्लेस पे आपके फाइव बीट्स हैं, वन, टू, थ्री, फोर एंड फाइव। तो इस तरह से हमने इनको रिप्रेजेंट किया, कहाँ पे रिप्रेजेंट किया हमने, ऑन एन एबाकस। ओके, नेक्स्ट, हमने अब तो इसको रिप्रेजेंट कर लिया एबाकस पे, कुछ क्वेश्चन होते हैं कि हम इनको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे। रिप्रेजेंटेशन करना आ गया, तो हमें इनको वर्ड्स में भी लिखना होता है, तो हम इनको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे। जैसे कि आपके पास लैक है, लैक प्लेस पे कितने बीड्स थे, फाइव बीड, यहाँ से भी देख सकते हैं, तो फाइव लैक लिखेंगे सिंपल। फिर ये जो 10,000 and 1,000, ये दोनों को इकट्ठे पढ़ेंगे, कितना आएगा, यहाँ पे फोर है, यहाँ पे थ्री है, दैट मीन्स 43,000 इन तीनों को इकट्ठा पढ़ना है,
108 दैट मींस 108 ये फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपको सॉल्व करके बताई कैसे करना है. अब इसी तरह से हम सेकंड एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे कि इसमें नंबर है 9478432. इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 1s, 10s, 100s, 10,000, 10,000, 1,00,000. रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाएगा, वंस प्लेस पे 2 बीट्स, देन 3 बीट्स, देन 4, देन 8, देन 7, नेक्स्ट इज 4 एंड 9. इस तरह से अब इनको वर्ड्स में भी लिखेंगे. 9, 9 एंड 4 ये लाख पीरियड में आते तो इकट्ठे पड़ेंगे 94 लाख 78,000. ओके स्टूडेंट्स, तो आपने आज क्या सीखा? हमने सीखा अबैकस के टाइप्स क्या होते हैं और रिप्रेजेंटेशन ऑफ अबैकस नंबर्स ऑन अबैकस कैसे किया जाता है, एंड उन्हीं नंबर्स को हम इन वर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं. तो ये सब हो गया. नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगी प्लेस वैल्यू फाइंड आउट कैसे करना है, एंड फेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू क्या होता है, एंड टू टाइप्स ऑफ न्यूमरेशन ऑफ नंबर्स किस तरह किया जाता है वो. थैंक यू बेटा.